कंट्रेक्टिंग में काम करते हैं जी। अब मनरेगा में कोई कहता फावड़ा चलाइए जी, तो फावड़ा हम लोग कहाँ चला पाएंगे? गुजरात में डलिया ढोल में हम लोग कहाँ ढोलेंगे? तो क्या गया, पेंटिंग का काम करते हैं। कब आए आप यहाँ पर? हमको आज आए हो गया है चार दिन हो गया। चार दिन इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ पर काम मिल जाएगा। हाँ। काम मिला? नहीं अभी तो। तीन चार दिन में एक बार भी कोई? ना ना, कोई पूछने तक नहीं आया कि तुम यहाँ कैसे बैठे। अभी लोगों को मालूम चल रहा है कि मजदूर लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं, गाँव से आ रहे हैं? नहीं, अब यहाँ की तो रवैया ये है, यहाँ तो लोग जहाँ काम मिल रहा है लोग यहाँ खड़े तक नहीं होने दे रहे। अभी एक अंदर, हाँ एक अंदर डर सा माहौल है कि पता नहीं हमको कोई ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं। तो अभी तो यहाँ कोई वही नहीं। कब आए हैं आप यहाँ पर? शनिवार को। तीन चार दिन हुए हैं, क्या हुआ तब से काम मिल रहा है यहाँ पर? एक कितने मजदूरों को यहाँ पे मुश्किल लगभग आ रहे हैं? लगभग आना शुरू हो गए हैं। पहले तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती थी, 150-200 आदमी का। बड़ा कष्ट से आना पड़ता है, हर इंसान नहीं आ पाता है, बहुत दिक्कत आती है। तो अभी तक कोई काम नहीं मिल पाया है। तो लॉकडाउन के 2 महीने कैसे रहे? सरकार से कोई मदद मिली? उधर लिया उधर लिया। हाँ, कर्जे पे गाड़ी चलाई है भैया। अच्छा, कर्जे पे गाड़ी चलाई। कब आए आप लॉकडाउन से? लॉकडाउन तो यहीं रहते हैं। अच्छा, गांव छोड़ दिया, गांव में कुछ नहीं है समय हमारे पास। अच्छा, यहाँ तो यही कमाना, यही खाना। हाँ, खेती पाती नहीं है ना कोई धंधा, इसी से हमारा गुजारा चलता। हम 3 लोग हैं। अच्छा, हम परिवार में। अच्छा, अब है इधर उधर से पैसा लेके खा रहे। तो अभी कब से यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ तो बराबर आ रहे हैं। कितने दिनों से? 6-7 दिन से आ रहे हैं। 6-7 दिन से। हाँ, अभी एक बार भी काम मिला? नहीं मिला। यहाँ पे राजेशपुरम में कुछ मजदूर दिखाई पड़ रहे हैं, पहले तो काफी भीड़ रहती थी यहाँ पर। हाँ, काफी भीड़ रहती थी, अभी लॉकडाउन की वजह से आदमी तो अभी बहुत कम मजदूर है। हाँ, कम मजदूर है। तो काम कैसे? भी नहीं चल रहा है, काम ऐसा चल रहा है किसी का लग गया मजदूर भाई का तो गया। हाँ, मजदूर भाई भी यहाँ भी ऐसे आता है और चला जाता है। यहाँ कुछ बटने वाली तो है, गरीब आदमी को खाना पीना राशन या कोई मंडी में कोई बटवाएगा, कोई बटवाने वाला नहीं। आधार कार्ड पे मिलता था, वो भी बंद हो गया। राशन कार्ड वालों को मिल रहा है, उन तभी भी बट रहा था जब आधार कार्ड कुछ दिन चले। हाँ, और जिनके राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड पे दे रहे थे ना, जिनके पास राशन कार्ड है गांव का उनको भी इलेक्ट यहाँ किया जाता है। पेंटिंग का काम करते हैं जी। अब मनरेगा में कोई कहता फावड़ा चलाइए जी, तो फावड़ा हम लोग कहाँ चला पाएंगे? गुजरात में डलिया ढोल में हम लोग कहाँ ढोलेंगे? तो क्या गया, पेंटिंग का काम करते हैं, कोई आ गया तो चला गया, नहीं गया तो। जिसमें आप लोग, जो आप लोग का हाथ बोलता है, तो आप गांव में रहे इतने दिन तक, 2 महीने करीब तो रहे लॉकडाउन के समय, तो क्या सरकार से कोई मदद मिली? सरकारी राशन में या किसी और? मिली राशन, राशन मिला है, इसके लिए झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, वो भी गेहूं चावल ही मिला है। हाँ, वो भी पर्याप्त रूप में जो खाने वाले लोग हैं उतना मिला है।